तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको जियो फोन के व्हाट्सएप के कुछ बढ़िया अपडेट बताने वाला हूं दोस्तों, जो अभी रिसेंटली दोस्तों जो लॉन्च हुए हैं जियो फोन के व्हाट्सएप में। और दोस्तों नई अपडेट है और शायद ही आप लोगों को दोस्तों ये अपडेट के बारे में पता चला होगा, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक बढ़िया सी अपडेट बताने वाला हूँ जियो फोन के व्हाट्सएप की। तो काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों। अपडेट भी मतलब अच्छी है दोस्तों, मुझे तो अच्छी लगी अपडेट, एकदम एंड्रॉयड अपडेट आई है। मतलब जैसा एंड्रॉयड में एक फीचर है वैसी एक फीचर जो है व्हाट्सएप में भी आ चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है दोस्तों, वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपके सामने व्हाट्सएप को ओपन कर दे, उसके बाद मैं दोस्तों आपको यहाँ पे अपडेट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप ओपन हो चुका है और अपडेट कहाँ पे है तो दोस्तों अपडेट यहाँ पे थ्री डॉट वाले लाइन में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद आपको अकाउंट वाले सेक्शन में आना है दोस्तों। अकाउंट में आने वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी वाला आपको एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑनलाइन वाला आपको जो है नया नया सा फीचर देखने को मिल गया होगा। वैसे दोस्तों जो ये फीचर है थोड़े मतलब कुछ टाइम हो गया दोस्तों इसको लॉन्च हुए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो मेरे जियो फोन में अभी अभी शो होना चालू हुआ है, क्योंकि दोस्तों मेरे को सब्सक्राइबर ने बता दिया था दोस्तों ये फीचर के बारे में, लेकिन दोस्तों मेरे जो व्हाट्सएप में वो शो नहीं कर रहा था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो ये फीचर है दोस्तों मुझे अभी अभी शो किया, तो दोस्तों इसलिए मैंने अपडेट बताने का वीडियो बनाया दोस्तों, नहीं तो मैं दोस्तों पहले बना देता। यहाँ पे दोस्तों मैं अपना इंटरनेट पहले ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इसके कारण से दोस्तों जो फीचर है लोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों फीचर के बारे में बता दूँ क्या फीचर है और इसका क्या काम आता है। तो दोस्तों अब मैंने अपना इंटरनेट ऑन कर लिया और दोस्तों मैं आपको अपडेट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे हमें प्राइवेसी वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑनलाइन वाले ऑप्शन है यहाँ पे मतलब इसका काम क्या है और ये यूज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एवरी वन या फिर मिलेगा आपको सेम एस लास्ट सीन। तो दोस्तों यहाँ पे पहले आपको लास्ट सीन वाले फीचर के बारे में पता होगा दोस्तों। यहाँ पे आपका जो टाइम लाइन है वो दिखाते हैं कि आप व्हाट्सएप में कितने देर पहले ऑनलाइन आए थे। अगर आप यहाँ पे आपको यहाँ पे लास्ट सीन वाले में बहुत सारे सेटिंग मिल जाते हैं कि अगर आप जो लास्ट सीन है वो कॉन्टैक्ट वाले को दिखाना चाहते हैं तो माई कॉन्टैक्ट में कर दीजिए। अगर आप कॉन्टैक्ट वाले में किसी को छोड़ के दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट वाले का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप किसी को भी नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ पे नोबडी वाला ऑप्शन मिलता है दोस्तों। इस तरह से लास्ट सीन का प्रोसीजर रहता है और ऑनलाइन का प्रोसीजर ये है दोस्तों कि जब आप ऑनलाइन आते हैं व्हाट्सएप और किसी से चैट करते हैं तो आप देखते होंगे कि जो कॉन्टैक्ट का नेम रहता है उसके नीचे ऑनलाइन लिखाया रहता है उस बंदे का, कि वो बंदा ऑनलाइन है दोस्तों। ये चीज़ आपको दिखाना है कि नहीं, इसलिए दोस्तों ये सेटिंग बनाया गया। अगर आप वो जो ऑनलाइन वाली सेटिंग है वो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एवरी वन में क्लिक कर देना है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जैसा मेरा लास्ट सीन है, मतलब कि अगर आप लास्ट सीन में अगर नोबडी सेलेक्ट किए होंगे तो दोस्तों आपको वो ऑनलाइन वाला भी किसी को नहीं दिखाना है, तो दोस्तों इसे सेम एस लास्ट सीन वाले में क्लिक कर दीजिए। जैसा आपका लास्ट सीन का दोस्तों मतलब सेटिंग सेव रहेगा वैसे ही दोस्तों आपका जो ऑनलाइन का सेटिंग सेव हो जाएगा। तो जिस तरह से आपका लास्ट सीन दिखाएगा उसी तरह से आपका ऑनलाइन वाला ऑप्शन भी दिखाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आप सबको ऑनलाइन दिखवाना चाहते हैं तो यहाँ पे एवरी वन में आप क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ मतलब नया सेटिंग दोस्तों जो मेरे व्हाट्सएप में अभी अभी आई है। आपके में कब आ गई थी दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों ये जो फीचर है हमारे एंड्रॉयड में भी देखने मिल जाते हैं और सेम तरह से वर्क करता है दोस्तों। एंड्रॉयड में ये कुछ इस तरह से एक साथ शो था लास्ट सीन एंड ऑनलाइन करके, और दोस्तों ये फीचर हमें जियो फोन में अलग 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 सेक्शन बना के दिखाया गया है दोस्तों। मतलब दोस्तों मुझे फीचर अच्छा लगा दोस्तों, थोड़ी प्राइवेसी सेटिंग इससे और बढ़ जाती है हमारे व्हाट्सएप की। और दोस्तों रही व्हाट्सएप में अभी ज़्यादा अपडेट नहीं आ रही दोस्तों, वैसे छोटी मोटी अपडेट कुछ रहती है दोस्तों, इसलिए मैं आपको वीडियो बना के बता दी हूँ दोस्तों। अभी ये व्हाट्सएप छोड़ो, अभी जियो फोन में दोस्तों काफ़ी मतलब कुछ अपडेट देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अपडेट ना आने का कारण है दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट। यहाँ पे दोस्तों जियो फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं है दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को नहीं मिला है। जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा दोस्तों जियो फोन में अलग अलग अपडेट आना चालू हो जाएंगे। दोस्तों इंतजार करते हैं नए सॉफ्टवेयर अपडेट का या फिर कुछ और नया अपडेट आए। दोस्तों अगर आपको कुछ नया अपडेट या फिर कुछ नई चीज़ देखने मिलती है जियो फोन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, उसके ऊपर मैं जरूर से वीडियो बना के बता दूंगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जो बताएं। वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कभी कर दोस्तों। धन्यवाद।